एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद डीएम का किसानों को अल्टीमेटम। जी हां, यूपी गेट धरना स्थल तुरंत खाली करें, ये किसानों से कहा है गाजियाबाद डीएम ने। लिहाजा बड़ी उम्मीद की आज ही खाली किया जा सकता है धरना स्थल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, जैसे हम आपको अभी खबर हेडलाइंस में दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए तमाम पुलिस कप्तानों और डीएम को, धरने को खाली कराया। उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आती हुई दिख रही है। तो अगले कुछ घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं, क्या गाजियाबाद बॉर्डर जो है वो खाली करवा लिया जाएगा। कम से कम डीएम के आदेश के बाद यही लग रहा है, डीएम का किसानों को अल्टीमेटम। आशीष सिन्हा और जतिन गोस्वामी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बड़ी खबर हो सकती है, गाजियाबाद के डीएम ने अगर ये मैसेज दे दिया है तो आज की शाम या रात इस धरना स्थल के लिए बहुत भारी है। देखिए, तय मान के चलिए कि आधे घंटे के बाद एक बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से एक बार बात कर आपको बताएंगे। उन्होंने आखिरी में मुझसे यही कहा कि जाते समय आपको अच्छी बाइट देकर जाऊंगा, जिसका मतलब यही है कि राकेश टिकैत भी इस बात को मान चुके हैं कि अब गाजीपुर पर धरना ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। दूसरी अहम बात कि डीएम की तरफ से भी नोटिस इशू कर दिया गया है और साफ कहा गया है कि आज धरना स्थल जो गाजीपुर पर है उसे खाली कराया जाएगा। जतिन, डीएम की तरफ से क्या मैसेज है? देखिए आशीष जी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जो ऑर्डर आया उसमें कहा है कि यूपी गेट धरना स्थल खाली करने के लिए किसानों को जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है, आज रात खाली हो सकता है धरना स्थल। जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर मौजूद है, यानी कि हमारी बात जो है रात से सटीक साबित हुई कि 24 घंटे के भीतर कुछ हो सकता है। 99.99% चांस है कि आज रात से पहले ही जो राजू मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, मैं राकेश टिकैत को पिछले 60 दिनों से ज्यादा वक्त से देख रहा हूँ। जब भी वो बाइट देते हैं बेहद कॉन्फिडेंस नजर आता है उनकी बिल्कुल, बातों में बिल्कुल। एक ये आत्मविश्वास कल से ही कम लग रहा है। आशीष आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आत्मविश्वास कल से ही कम लग रहा है। और गाजियाबाद डीएम ने बाकायदा अल्टीमेटम दिया है किसानों को, हम आप लोगों के पास लौटते रहेंगे और वहां के ताजा हालात बताते रहेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता जो गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है वो यही कह रहे हैं कि अगले आधे घंटे में कोई बड़ी खबर भी वहां से आ सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जतिन आपका और आशीष आपका भी। तो गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आती हुई में किसान नेता शिव कुमार कक्का का आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों से ही चूक हुई है। उन्होंने सुरक्षा का ठीकरा दिल्ली पुलिस पर फोड़ा है, तफसील से बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। किसान नेता कक्का जी हमारे साथ में, इनसे बातचीत करते हैं कि 26 तारीख को जो हुआ, जो हम कहें दिल्ली शर्मसार हुई, लाल किले को शर्मसार किया गया, आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही था? देखिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, निंदनीय है। हम सभी इसको लेकर आहत हुए हैं। हम प्रारंभ से ही सरकार को बता रहे थे कि पंजाब के दो संगठन हैं ऐसे जो हमारे संयुक्त मोर्चा से बाहर चल रहे हैं। ये 15 दिन बाद आए धरने पर, और जहां पर बैरिकेड लगे हुए थे उसके बाहर कोई जा नहीं सकता, वहां उनको कौन ने उनके टेंट लगवाए, कौन ने मंच बनवाया? उनके टेंटों के अंदर हमने महत्वपूर्ण अधिकारियों को आते जाते भी देखा है। वो इस रूट से संतुष्ट नहीं थे, बार बार वो कह रहे थे हम लाल किला जाएंगे। तो जब लाल किला वो जाना ही चाहते हैं तो उनके लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करना चाहिए था। जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो इतने कमजोर थे कि हाथों से हटा दिए और चले गए। अगले टर्न पे पुलिस वालों, हमारे पास वीडियो है, अगले टर्न पे पुलिस वाले उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। ITO पे हल्का झड़प होती है इनकी और वो लाल किले तक पहुंच जाते हैं। सरकार अगर सोच रही कि लाल किले तक कोई नहीं पहुंच सकता तो नहीं पहुंच पाएगा, इतनी ताकतवर हमारी सरकार है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन साहब, जिस हिसाब से आप लोग की संयुक्त मोर्चा की मीटिंग दिल्ली पुलिस की हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप लोग इस रूट पे चलेंगे और जो जिम्मेदारी होगी वो हम लोग देख लेंगे, आगे मूवमेंट नहीं होगा, 1000 की वॉलंटियर टीम हम उतारेंगे, कोई नहीं दिखा। मूवमेंट जो हुआ वो ट्रैक्टर ट्रॉली कुचलते हुए निकल गया, पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश की गई, कई बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, ट्रैक्टरों से हटाया गया, इसकी वजह क्या? कि वो हमारे संगठन के लोग नहीं थे। मैंने कहा कि वो दो लोग थे, दीप सिंधु और पन्नू, वो लोग थे। वो जब हमारे मोर्चे के नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसकी जानकारी हम सरकार को दे चुके हैं कई बार।
तो वो हम उनको हम कैसे नियंत्रित करते जो हमारे दिल्ली पुलिस को आपने जानकारी दी थी जब आपकी मीटिंग बार बार हो रही थी, 5-6 बार मीटिंग हुई आपके तमाम रैली को लेकर, ट्रैक्टर रैली के लिए सहमति भी बन गई, अनुमति हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गया, फिर एग्रीमेंट का तो उल्लंघन हुआ ना उस हिसाब से, आप लोग जिम्मेदारी कौन लेता है आखिर इसकी? उल्लंघन हमने नहीं किया, जो हमारे संयुक्त मोर्चा के बाहर के लोग थे उन्होंने किया है, परंतु चूंकि कॉल हमने दी थी तो जवाबदारी हमारी ही बनेगी, उस जवाबदारी से हम नहीं बचना चाहते, परंतु चूक सरकार से भी हुई है, पुलिस प्रशासन से भी हुई है, हमसे तो हुई है, उसके लिए हमने पहले कह दिया कि निंदनीय है, खेदजनक है, हम इसका खेद व्यक्त करते हैं। यानी अब अगला कदम क्या रहेगा, क्या मांग अभी मानी जाएगी या नए सिरे से फिर क्वेश्चन है, नया आंदोलन शुरू किया जाएगा? आंदोलन यही रहेगा, 2-3 दिन में आंदोलन व्यवस्थित हो जाएगा और आंदोलन में हमारी मांगे यही रहेंगी जो है, 3 काले कानून और MSP गारंटी के लिए जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे, 30 जनवरी को हम उपवास करेंगे दिन भर का और गांधी शहादत दिवस को पूरे राष्ट्रव्यापी मनाएंगे। साफ तौर पर है कका साहब ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी बंदी की, कॉल हमने लिया और हम लोग ने पुलिस के साथ एग्रीमेंट किया तो इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये पूरा घटना, तो किसान नेता शिव कुमार कका को आप सुन रहे थे और धीरे धीरे किसान नेताओं के सुर भी बदल रहे हैं, इस बीच बॉर्डर्स पर स्थिति भी बदल रही है, गाजियाबाद बॉर्डर पर अभी क्या हालात हैं बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन गोस्वामी। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अब बढ़ रहा है, उसकी तस्वीरें हमने आपको तमाम बॉर्डर से दिखाई, लेकिन किसानों के बीच क्या चल रहा है और ग्राउंड पर वहां क्या चल रहा है जहां पर आंदोलन चल रहा था वो मैं आपको दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर से दिखाता हूं। आप देखिए ये वो गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर किसान इस तरह से बैठे हुए थे जहां पैदल पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन अब आप देखिए आपको एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। हालांकि कल भी हमने आपको इसी तरह की रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन आज जो किसानों की संख्या है वो और भी ज्यादा घट गई है, क्योंकि कल हमने आपको जो नीचे की तरफ की भी संख्या दिखाई थी और ओवरऑल रात को जब यहाँ बिजली चली गई उसके बाद रात को वहां से ऊपर वाले हिस्से से भी बहुत सारे किसान जो हैं वो वापस अपने घरों तक जा रहे हैं। कुछ किसानों को हमने सुबह जाते हुए देखा जिन्होंने बताया कि 26 जनवरी को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और इसलिए वो वापस जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको देखिए वही तस्वीर आज भी दिखाऊं जहां पर हमने आपको कई बार दिखाया है कि खाने पीने की जो व्यवस्था है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपके लिए, गाजियाबाद के DM ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को अल्टीमेटम दिया है गाजियाबाद DM ने, यूपी गेट धरना स्थल तुरंत खाली करें ये कहा गया है किसानों से। अल्टीमेटम देने का मतलब आप समझिए कि अगर किसान नहीं मानते हैं तो पुलिस कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगातार हम आपको वहां की स्थिति दिखा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो पुलिस का जमावड़ा वहां पर बढ़ा है, साफ संकेत है कि अगले कुछ देर में, आधे एक घंटे में एक बड़ी खबर वहां से आ सकती है। इस बीच गाजियाबाद DM का किसानों को अल्टीमेटम, आज ही खाली किया जा सकता धरना स्थल जैसा शुभ्रा कह रही थी, इस वक्त अब कुछ ही वक्त की, कुछ ही देरी की बात कही जाएगी, अल्टीमेटम दिया जा चुका है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तमाम ट्रैक्टर्स, तमाम टेंट वहां से पहले भी हटाए जा चुके हैं। ये वो जगह है जहां पर राकेश टिकैत और उनके समर्थक लगातार पिछले 60 दिनों से धरने पर थे। बिल्कुल, राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता लगातार बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, लेकिन गाजियाबाद DM ने इस बीच अल्टीमेटम दे दिया है और साफ तौर से कहना है कि अगर किसान नहीं मानते हैं, अगर वहां से नहीं हटते हैं तो कोई एक्शन भी हो सकता है। क्या जबरदस्ती किसानों को हटाया जाएगा गाजियाबाद बॉर्डर से, ये देखना होगा, लेकिन यूपी गेट धरना स्थल खाली कीजिए ये किसानों से कह दिया गया है प्रशासन की ओर से। आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से एक बार, आशीष वहां पर अभी क्या स्थिति है, कितनी पुलिस फोर्स है और अल्टीमेटम का मतलब तो ये हुआ कि अगर नहीं मानते हैं किसान तो पुलिस एक्शन लेगी? देखिए राकेश टिकैत आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, राकेश टिकैत अभी जा रहे हैं मीडिया सेंटर की तरफ। राकेश टिकैत से जो मैंने बात की उन्होंने कहा कि आधे घंटे के भीतर हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात की कि जाते समय आपको एक अच्छी बाइट देके जाऊंगा। इसके मायने आप समझ सकती हैं कि राकेश टिकैत को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अब गाजीपुर जो बॉर्डर है उस पर जो धरना है वो फिलहाल अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। दूसरी सबसे अहम बात कि DM की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि धरना स्थल खाली करें। ठीक सामने देखिए जो ड्रोन है, पहले आज सुबह ड्रोन जो थे वो नहीं उड़ रहे थे और अब
जो ड्रोन है ड्रोन से बकायदा नजर रखी जा रही है। राकेश टिकैत ठीक सामने जा रहे हैं, जहां जहां राकेश टिकैत जा रहे हैं आप देखिए वहां भीड़ उनके साथ जाती जा रही है। आधे घंटे के भीतर यानी बस कुछ मिनटों के बाद एक बड़ा फैसला आ सकता है। आशीष आप अपनी तमाम बातें कहते रहे और आप ये भी आकलन करते रहे कि राकेश टिकैत के पीछे जो भीड़ अब तक रही थी ये भीड़ उस तादाद में कितनी कम या कितनी ज्यादा है? देखिए राकेश टिकैत के साथ जो भीड़ है वो उनके साथ चल रही है, टिकैत साहब जो है वो मंच की तरफ चल रहे हैं। ठीक देखिए तस्वीरों में आप देखिए टिकैत साहब ठीक है सामने है, मंच की तरफ आगे बढ़े हैं और टिकैत साहब ने ये कहा है कि 15 से 20 मिनट के भीतर हम आपको बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है। हम टिकैत साहब के पास जा रहे हैं राजू, बात करने की कोशिश करते हैं कि टिकैत साहब क्या कह रहे हैं। जी है राजू ठीक सामने, आप उनको दूसरी साइड ले जाए मंच की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ मंच की तरफ टिकैत साहब को ठीक सामने फ्रेम में देख। बड़ी खबर इस वक्त की, राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं, बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत से बात करने की कोशिश तमाम मीडिया कर्मी कर रहे हैं लेकिन राकेश टिकैत के जहन में आकर क्या चल रहा है और इन सब के बीच बड़ी खबर ये कि सरेंडर कर सकते हैं राकेश टिकैत। उन पर केस हो चुका है और लगातार हिंसा की जिम्मेदारी राकेश टिकैत के ऊपर मढ़ी जा रही है। राकेश टिकैत मना कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच हलचल गाजीपुर बॉर्डर पर। चलो राकेश टिकैत से बात करने की राजू आप कोशिश करेंगे। टिकैत साहब ठीक पीछे हैं, टिकैत साहब आप मंच की तरफ आगे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे लेकिन जो उनसे बात हुई उसमें उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कह दी जी कि जाते समय मैं आपको अच्छी बाइक दे के जाऊंगा। अरे सरेंडर नहीं जा रहे, मैं कोई अपराधी हूँ सरेंडर करने जा रहा? वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे कमेटी के सब लोग हैं। वहाँ पे अभी एक घंटा आप दो, आधा घंटे में सारी चीज बता देंगे। मीटिंग है, अरे मीटिंग तो कर देना, कोई ऐसे खाली हो जाता है क्या? मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग कर अभी आधा घंटे में सब बता देंगे आप। अरे मंच पर बता देंगे ना, मैसेज मिला है आपको? अरे मंच पर बता देंगे। उनका कहना यह है कि वो मंच पर बताएंगे कि क्या करना है। आशीष राकेश टिकैत जो है वो मंच की तरफ जा रहे हैं जैसा हमने आपको पहले बताया। जी जी आशीष तस्वीरें दिखाते रहिए, ये तस्वीरें बहुत जरूरी है, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, राकेश टिकैत ने भी जो बोला उनके अक्षरशः शब्द सामने रख रहा हूँ, ऐसे ही सरेंडर नहीं होता, पहले मीटिंग तो हो जाने दीजिए। ये वो राकेश टिकैत नहीं है जो अब से 4-5 दिन पहले गरजते हुए दिख रहे थे। आशीष तस्वीरें दिखाते रहिए, मंच की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए राकेश, राजीव आपने कई बार राकेश टिकैत को सुना होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो दूसरे लेवल का होता है लेकिन आज उनके चेहरे की तरफ आप जरा गौर करिए, राकेश टिकैत का जिस तरह का कॉन्फिडेंस है आपको नजर आएगा, आज वो कॉन्फिडेंस राकेश टिकैत में नजर नहीं आ रहा है। जो राकेश टिकैत है, जिन राकेश टिकैत को हम जानते हैं, वो कॉन्फिडेंस की आज कमी है। राकेश टिकैत ठीक पीछे है, मंच की तरफ जा रहे हैं। टिकैत साहब का कहना है कि मंच पर जाने के बाद वो बड़ी घोषणा करेंगे।
डीएम है, डीएम ने अपनी तरफ से नोटिस जारी कर दिया है जिसमें डीएम ने एक बार बिल्कुल साफ कर दी है कि धरना स्थल खाली करना पड़ेगा। जो पानी है वो यहाँ की काटी गई है, इसके अलावा जो बिजली है उसे भी काटा गया है। टिकैत साहब कह रहे हैं कि मंच पर जाने के बाद घोषणा करेंगे। जब बातचीत उनकी मेरे से हुई उन्होंने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं यहाँ प्रदर्शन कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हमें मिला है डीएम की तरफ से जो नोटिस है वो मिला है, जिसमें डीएम ने उनसे कहा है खाली करने को लेकर। और टिकैत साहब डीएम की तरफ से नोटिस मिला है आपको? अभी नहीं मिला मुझे, नहीं मिला। वहाँ पे आ रहे होंगे ना, बात कर लेंगे, वहाँ दिया होगा। प्रशासन से बात हुई अभी आपकी? कुछ वे वहाँ प्रसाद मंच पर आ रहा कोई अधिकारी तो बात कर रहे। तो सारे लोग एक साथ होगा या फिर अभी दूसरे के साथ संगठनों के एक बार बात को लेकर दूसरे सब लोग हैं यहाँ पे ऊपरी मंच पे, बाकी दूसरे किसान संगठन के नेता भी है वो भी सारे लोग मंच पर होंगे? अभी मंच पे है लोग। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत को यूपी पुलिस गिरफ्तार करने आएगी या फिर वो सरेंडर करेंगे, क्या है इसमें सच्चाई? किसने कहा मैं कोई अपराधी हूँ? मैं अपराधी हूँ है, लेकिन आपके खिलाफ नोटिस जरूर आया है जिसका आपने कहा था कि आप जवाब देंगे। आप तो जवाब दे दें, दो दिन का टाइम है। क्या ये मान के चले कि आज धरना खत्म कर रहे हैं राकेश टिकैत जी? ऐसा कुछ नहीं है, अभी सलाह कर रहे हैं एम्बुलेंस को रास्ता। राकेश टिकैत जी, आप ये कह रहे हैं कि जाते समय एक अच्छी बाइट दूंगा, इसका मतलब क्या माना जाए? इसके मायने क्या माने जाए राकेश जी? पता कर लेंगे ना, पूरा फैसला कर लेंगे, पूरा फैसला थोड़ी देर में जो भी होगा जो भी होगा वो बता देंगे। चलिए, राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, हम मंच की तरफ जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये मंच की तरफ जाता है राजीव, मैं आपको मंच की तरफ लेके चलता हूँ। ये वो रास्ता है जो मंच की तरफ जाता है राजीव, ये रास्ता, ये सामने आप देखेंगे मंच है। नीचे देख के ये सामने जो मंच है यहाँ राकेश टिकैत जी जा रहे हैं, मंच पर जाने का रास्ता यही है और सीढ़ी से होते हुए मंच की तरफ जा रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने आईटीवी से बातचीत में उन्होंने ये साफ कहा है कि वो अपनी बात को मन से रखेंगे। ये वो मंच है जहां से राकेश टिकैत थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक पीछे देखिए, तस्वीरों में देखिए, राकेश टिकैत आ रहे हैं और वो मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कई सवाल मैंने राकेश टिकैत से पूछे जिस पर